भाई मतलब फिर भी यार रिसेल वैल्यू अच्छा भाई यार प्लेटिना के 47,000 देता खराब देता है। बाहर का डिमांड रहे हम मांग रहे थे आपका भी अंदर है को होगा ना कि ना इतना ले सकी ना। फिर भी हमारे 3 साल होता फिर भी हम 50 से कम ना दे। हेलो भाई मैं अंकित, देखो भाई लेके अपनी प्लेटिना 110 को कहाँ आया हूँ, टायर के दुकान पे। अभी कुछ होने वाला है सीन भाई इस गाड़ी में। प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी मेरे मन में पता नहीं धक धक सा हो रहा था भाई। मैंने सोचा कि यार एक बार छेड़छाड़ करवाते हैं इसमें। पता है मेरे मन में क्या है भाई करवाने का? अभी ये रियर वाला टायर आप देख रहे हो ना भाई, ये पूरा ख़त्म हो चुका है। मतलब एकदम पूरा तो नहीं लेकिन अभी चल रहा है, लेकिन फिर भी ये देख लो दरार दरार सा छोड़ दिया है। मैं क्या सोच रहा था ना भाई कि आगे वाला टायर बढ़िया है, देखो इसमें कुछ भी दरार नहीं आया, इसमें गोटी भी बढ़िया है अभी। तो मैं सोच रहा था कि भाई आगे वाले टायर को पीछे कर दिया जाए, पीछे वाले टायर को आगे कर दिया जाए। विकास भाई कैसे हो? सब बढ़िया है भैया। आओ ना देखो थोड़ा, ये चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ जी। देखा दोनों के सेक्शन एक है, 100 बोलता नहीं, 80-117 और वो है 80-117। अब देखा आगे पीछे हुई कि ना हुई अल्टा पल्टी। मेरे को तो नॉलेज नहीं है भाई इन सब चीजों में। दिक्कत हो यही के पीछे वाला टायर आगे करम, हाँ तो हैंडल पर भार पड़ेगा, आपका हाथ पर भार पड़ेगा। काहे? चौड़ाइया कर बेसी बा। अच्छा हाँ, यो हम देख ले रहे हैं चीज कि देखा चौड़ाई में बा, चौड़ाइया बेसी बा। हाँ आई गोल में बा, गोलैया में बा। हाँ तो गोलैया का मतलब के हैंडल एकदम फट फट कटेगा। अच्छा चौड़ाइया का मतलब चौरस रहेगा तो हाली नहीं कटे। हाँ गोलैया रहेगा तो जिधर मन उधर कट। हाँ 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 काट के हम चलते हैं, हल्का झुका के चलते हैं। हाँ हाँ चौरस रही तो रोकी। हाँ हाँ गोलैया रही तो स्लिप कर जाए। स्लिप कर जाए तो अगर हम बदलवा देते तो स्लिपो करे के डर रही ना। स्लिपो करे के डर रही तो हमारा का करे के चाहिए, कुछ उपाय बतावा। ऐसे बढ़िया बात, टायर डाल दीजिए एक थो पीछे पीछे, या फिर अभी चला था तो चले दी। चल रहा है तो चलने दीजिए। हाँ फिर भी तारा देखे से कितना दिन चली टायर, अगर नॉर्मल ऐसा रोड पे चला होती जा अपना रोड पे चले के तो बहुत मस्त चली, मगर थोड़ा सा परेशानी हुई कहा के पंचर करी। पंचर करी बस चले गए तो अभी सालों भर चल जी। सालों भर चल जी चलाए ऊपर बस। हाँ आपका परेशानी होगा कि कहीं पंचर हो गया तो ठेल के ले जाइए। हाँ हाँ पंचर बनाइए, कहीं मुसीबत में ट्यूबलेस तो है ना, कुछ जरूरी में है आप जा रहे हैं, पंचर हो गया तो टाइम बर्बाद हो, टाइम बर्बाद हो। अच्छा एक बात बताओ, जब हम खरीदे जाए तो कहे के ना पड़ी कि पीछे वाला हमारा टायर चाहे, नहीं तो गोलाइये में दे दी। हाँ। वो आगे वाला के रेंज कम रहला, पीछे वाला के रेंज। अच्छा रेट भी अंतर होला ना? हाँ। ओ आगे वाला मिल जी 1200 के। हाँ पीछे वाला 1500 से नीचे ही ना करी, 1450 का है कि चौड़ा बा ना। देखो भाई यहाँ पे ये जो डिजिट लिखा रहता है ना, इसी से पता चलता है कि कौन से साल का ये टायर है। ये 2020 का टायर है ना, लास्ट वाला। अच्छा बाकी भाई जिनका ये शॉप है उनके पास भी प्लेटिना 100 है तो ये बेच रहे थे, रिसेल वैल्यू भी थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या रिसेल वैल्यू मिल रहा था विकास भाई? वो दे रहा था 47,000। 47,000 रुपये दे रहा था ना, तो कितना टाइम हुआ था उस टाइम गाड़ी का? अभी अभी आज दे के जा रहा था। आज दे के जा रहा था? 2 साल 3 महीना हो गया। अच्छा गाड़ी लिया कितना चल गया है? 20,000 चल गया है। 20,000 हमारे से ज्यादा चल गई बा, हमारे तो 17-18,000 किलोमीटर चलल बा, तो 20,000 चल गई ना। हाँ। भाई मतलब फिर भी यार रिसेल वैल्यू अच्छा बा यार प्लेटिना के, 47,000 देता खराब देता है। बाहर का डिमांड रहे हम मांग रहे थे 48,500 मांग रहे थे, फिर भी ना देला है ना, बोला ना 47,000 देवे करम, 1,500 का दी तू भगा देला भाई भाई। मगर ये है हमारा गाड़ी बहुत कंडीशन। हाँ तो यार भाई कोई दूसरा कोई चले ही नहीं के, जब चले ले बड़ा तू ही चले ले बड़ा, पहल का गाड़ी रहे वो तबे ना। और किस्ती कंप्लीट हो गई ना? 2 साल 3 महीने। एक रो कंप्लीट हो गई, चलो बढ़िया। कितना आया था लास्ट में? हाँ फाइन आपका? हमारे 1 महीना का ही रहा, 1 महीना का फाइन। कितना? 2300-2400 ले लगा। हमारे भाई रहे तो तू लेट कर बता तब ना। 2035। हाँ 3-4 वो हुआ था मिस हो गया है, मतलब मिस हो गया ना। हाँ 1-2 महीना के बाद फिर भर देते रहे, भर देते रहा ना, लास्ट में नहीं भरा ना, ना एक के साथ भर दे रहे थे 1-2 महीना का। तो वही चलते 3,350 ले लो सुना था ना, 2,035 रुपये, 2,035 रुपये तो खराब थोड़े ना, फरमाइश हुआ ना 1,035 लगा। अच्छा 1,000 माइनस माफ हुआ, चलो बढ़िया बा। फिर भी अब क्लियर हो गए, एनओसी मिल गई ना? एनओसी अभी नहीं मिला, तारा ले लेवे के चाहिए, तारा के प्रोसेस बता दें। बाकी हमार प्लेटिना कितना मिल जाए? हैं आपका भी अंदर है को होगा ना कि ना इतना ले सकी ना? फिर भी हमार 3 साल होता फिर भी हम 50 से कम ना दें। बताओ बाप रे कंडीशन जोन हिसाब से रख ले बनी गाड़ी के। अब हम दे नहीं ना, तब तू 100 cc के तारा, 115 cc तो हार वाला कितना का रहे? 75,000।
हमारे रहे वो गरीब 82,000 के, 7,000 के डिफरेंट रहे, तब कमे में रहे 73,000 के रहे। आई में 5 गियर बा, हमारे 4 गियर बा, अंतर बा गाड़ी में। लेकिन फिर भी यार देखो तो इंडियन मार्केट में भाई ये जो रिसेल वैल्यू है बजाज ने अब अच्छा बना दिया ना। पहले यार पलटीना के 20-30 हजार देवे में आदमी घबरात रहन, हमारा याद बा है? आज देखो 45,000-47,000 मिलता है। हाँ, एक और चीज आवा है ना हम तारा के बताओ, पहले क्या रहे ना कि इंजन खोखड़ लागत रहे पलटीना के, अब देखो एकदम स्प्लेंडर से भी बढ़िया लागे एकदम इंजन एकर। तो हर बाकी अभी तक एक्सपीरियंस बजाज के साथ बढ़िया रहा ना, गाड़ी कब बंद ना भैया आज तक, अभी तक नहीं की मरले सेल्फी पे स्टार्ट हो जाए, मगर बेचा मत यार हम तक मत बेचा, का जरूरत बा बेचे के अंदर समान फिर खरीदा ही बताओ 45,000 लेके पछताए लगभग ना बेचा मैं तुरंत इमरजेंसी में स्प्लेंडर ले बा। बाकी यही था भाई इसका स्टोरी, नहीं चेंज हो सकता है भाई, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीछे वाला चौड़ा होता है और आगे वाला जो होता है वो गोलाई में होता है। तो डाल सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि डाल नहीं सकते, लेकिन वही बात है ना कि फिर बाद में दिक्कत होगा हैंडल वैंडल करने में, और जो ये वाला भी टायर कमयाब है ना ये भी ख़त्म हो जाएगा कुछ दिन में ही। तो ये सीन है भाई, इसीलिए भाई का सजेशन है कि आप अभी चेंज मत करवाओ, जैसा है वैसे ही रहने दो, भले ही पीछे वाला टायर चेंज करवा देना ख़राब होगा तो। अगर दोनों ख़राब हो गया ना तो फालतू में आपका लेना का देना पड़ जाएगा, 1600-1700 रुपये का खर्चा हो जाएगा, ऐसे आपका 1600 में ही पिछला वाला नया हो जाएगा और आगे वाला तो बढ़िया है ही। मेरे तो समझ में यही आ रहा है भाई, कभी ऐसे ही चलाते हैं, बाद में कभी चेंज करवा लेंगे पैसा हुआ तो, बाकी जब दिक्कत होगा तब चेंज करवाएंगे। यही था भाई, अगर आपको भी सजेशन देना हो कुछ इससे रिलेटेड, कमेंट सेक्शन खुला है भाई, कमेंट कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, वो दिल से। चलो जय हिंद।